7th February 2021, organized by Kalakar Foundation. The Bombay Art Society Art Complex institutions to organize exhibitions at Bas Art Galleries. आज बॉम्बे आर्ट से करीबन एक साल के बाद हम लोग शो कर रहे हैं और हम जो है गैलरी की सपोर्ट है, एक साल बाद जो शो हो रहे हैं उसके लिए इन लोगों ने सबसे पहला कदम उठाया है कि हाँ, जो आर्टिस्ट एक साल से बंद हैं वो आर्टिस्ट आएँ और मोस्ट वेलकम है उनको इस गैलरी के लिए। और गैलरी बहुत बढ़िया है, आप ज़रूर इस गैलरी में एक बार विजिट कीजिए। और बहुत बहुत थैंक यू बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। एक फोटो ले लेना।
पेरिस का है 300 मीटर इसकी हाइट और
300 मीटर हाइट है और इसमें पैरिस का दिखाया हुआ है सारा डायमेंशन सब यही दिख रहा है। तो उस समय 1864 के अंदर इसका उद्घाटन हुआ था, इंजीनियर थे उन्होंने किया था और उस समय इसमें टावर में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनने के बाद फिर आगे जाएगा। इसमें भी इतना टेंपर हो जाता है गर्मी के टाइम में तो हीट हो जाता है, फिर चढ़ने के लिए बाउंड कर जाएंगे। ये चीज़ मैंने बनाई, ये सब बच्चे जो है उसको चढ़ रहे हैं, जो पहले होते हैं ऐसे बैलून का रिएक्शन मैंने चार तरफ से दिखाया। इसमें जब बबल्स घूमते हैं तो सारे रिफ्लेक्ट होते हैं, ये मैंने इसको पहले बोलने से मतलब जो आप बिल्कुल एक लविंग अपोर्ट है सर, ये उस समय का है जब ये बिल्डिंग बन रही थी, इसका रिफ्लेक्ट दिखाया मैंने थोड़ा सा, ये लविंग अपोर्ट ऐसे बिल्डिंग को देख रहे हैं, पीछे की तरफ पिपिल खड़े हुए हैं और उसका एक घाटा लगा है उस समय, ये चीज मैंने इसको दिखाई। और अभी भी सिस्टम में उस समय जब बिल्डिंग बन रही थी, ये तीन वेद के ऊपर ये मूव करती थी, ये उसी समय का इसमें अटैक हुआ था सर, वो बिल्डिंग 1862 के अंदर वो भी दिखाया। उस समय जब बिल्डिंग बनी थी ये सिर्फ 5 फुट में आती, इसको शेप किया, मैं सारी चीज सब चेक करके और फिर मैंने नॉलेज की सर, मैंने 26 जनवरी में परेड में जो उनका की थी झांकी है उसमें मैंने आर्मी ऑफिसर्स को बता था, मुझे बचा के बात करते थे और क्या क्या हमने ले आउट करना चाहिए उनको दिखाना चाहिए। मैं आपको एक फोटो कर ये एक पेंटिंग है सर, ये मैंने लिखा हुआ सर, इसका 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 पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, ये आपके लिए है सर। तीसरा मैम का दिया हुआ है सर, ये देखिए बुक का। हाँ बिल्कुल समझ लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। एक चीज और आएगी सर, मैं छोटी मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। जब मैं दुबई गया था तो मैंने स्ट्रक्चर को देखा, स्ट्रक्चर को देखने बाद क्योंकि दुबई के अंदर जगह जगह स्टील वो बना रखी और बच्चे इसके अंदर से जाते हैं, देखते अंदर जाने के बाद ये बना हुआ अभी तो लाइटिंग सिस्टम लगाई है, बाद में नेक्स्ट में सब लोग खड़े थे, वाटर फ्लो नीचे की तरफ आ गए, ये सारे बिल्डिंग के थ्री हंड्रेड ये फिर मैंने बनाया था, इसका डिजाइन किया, एक एक बिल्डिंग को मैंने इस मेजरिंग किया है कि कितनी होनी चाहिए, नीचे कितनी कम होती चाहिए। आर्मी नेवी ये जितने आप लोग जिस फोर्स हैं जितना माइन्यूटली आप काम कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, जैसे लोग तो सोच नहीं सकते। बिल्कुल आपकी कृपा होगी सर, मैं बॉम्बे में आके एग्जीबिशन करूंगा, मैं उनकी कृपा होगी, आपका हुनर आपको लेकर आएगा, कोई नहीं लेकर आ सकता। मैं तो आपकी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ना समय के पहले ना समय के बाद, जब समय आता है ना तो सब अपने आप होता है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं सर, जो विधाता आप ऊपर बैठे हैं तो पूरा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में। मेरी बात सुनकर सर आर्मी ऑफिसर मुझे ऑफिसर बना दिया सर, मैं नहीं सर, जब मैं लूंगी मेरी मोटी नहीं होती क्योंकि आगे सीढ़ियाँ हैं। मेरी बात ये बात मैं बात जिनसे बोलूँगा, ये कहना कि हम योग्य नहीं है ये आप और मैं कौन नक्की करने वाले हैं, योग्यता तो ऊपर वाला ही नक्की करके भेजता है, जो लोग है सराउंडिंग है वो डिसाइड करते हैं हम कितने योग्य हैं। सर मेरे पास 25 पेंटिंग और है, एक एक पेंटिंग आप देखेंगे ना सर, बहुत सर्च किया है मैंने सर, अब है कहाँ से मैं इनसे बात कर लीजिए सर, कभी आप मुझे बॉम्बे बुलाइए, मैं आपको बहुत सम्मान मतलब इन्होंने जर्नली सारी इन्हीं टॉपिक्स पे पेंटिंग बनाई है, जो भी एक्टिविटीज हुई है अभी बाहर, बच्चा था सर 17 साल का।
हमारा सौभाग्य कि आपसे मुलाकात हुई, मैं इतना ही बोल सकता हूँ क्योंकि मैं देवा जी आपको कभी बताएंगे डिफेंस फोर्सेस के साथ मेरा काफी कुछ इंटरेक्शन है, मेरी कमजोरी है, मेरी एक फीलिंग है कि आज हम जो कुछ भी हैं, अगर आप जैसे फनकार ना हो देश में तो हमारा वजूद कहीं नहीं है। और ये अटूट सच है सर, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन अगर मैं आपसे ईमानदारी से एक्सप्रेस करूँ तो क्रांतिकारी की लड़ाई में भी मेरे दादाजी लड़े हुए हैं, शहीद भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद साहब के साथ उन्होंने उन दिनों भी काम किया हुआ है। गर्व होता है मुझे कि मैं उस मिट्टी का हूँ जहाँ से ऐसे लोग निकले हैं। देखिए सर, मेरे को पता नहीं, जगजीवन राम का नाम सुना था कि 4 बजे ऑर्डर दिया था कि बात करने वाले लोग पीछे अभी।